हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स. दिस इज़ योर मैथ्स बुक. ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 84. टुडेज टॉपिक इज ओवल. ओवल मीन्स अंडाकार. जिस शेप में अंडा होता है, एग होता है, उसी शेप के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Count and write the number of ovals. Color them. Yes, today is very interesting. आपको count तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है? Color भी करना है. Okay? आज बहुत ही आपको अच्छा लगेगा. आपको work के साथ साथ color भी करने को मिलेगा. Okay? चलिए हम ovals को count करना start करते हैं. तो ओवल्स अंडा, जैसे मैंने बताया भी आपको कि ओवल जो होते हैं वो अंडाकार होता है. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से शेप अंडे के शेप में हैं, उसको हम देखेंगे. तो देखेंगे ये फर्स्ट, दिस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ. एक बार फिर से काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाउ मेनी ओवल्स आर देयर? 9 ओवल्स. तो यहाँ पर पहले हमको क्या करना है? 9 लिखना है. कहाँ लिखना है? ये कॉर्नर में आपको देखिए बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको 9 लिखना है. ओके, तो यहाँ पर आपको 9 लिखना है. और 9 लिखने के बाद अब इसमें क्या करना है ये देखेंगे. आप इसको कलर भी करना है. आपको जो भी कलर पसंद हो, आप वो कलर का यूज़ करते हुए इस पूरे को अच्छे से आपको क्या करना है? कलर करना है. तो आपको हम एक दो कलर करके दिखा देते हैं. आप वो ऐसे ही कलर करेंगे और पूरा कलर करेंगे. जितने ओवल्स बने हुए हैं उस पूरे को आप कलर करेंगे. ओके, और जो बच्चा जितना अच्छा कलर करेगा, आपको पता है उसको फिर स्टार मिलता है. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को स्टार मिला भी है. तो आप अच्छे से कलर करते वक्त ध्यान में रखेंगे कि कोई भी कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए. जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे मैम तो खुद कलर करती हैं और बाहर निकालती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है. क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैम क्या कर रही हैं, मैम अपने जो आपके साथ ही जो बुक दिख रहा है, ये बुक में मैम क्या कर रही हैं, ये कलर का यूज़, ये जो मोबाइल्स में या फिर जो सिस्टम में जो कलर्स रहते हैं उसी का यूज़ करके हम कलर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है. लेकिन आपको अपने जो मोम कलर होता है, क्रेयॉन्स, आपको उसका यूज़ करते हुए कलर करना है, जो कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन. ओके, दिस इज़ योर क्लास वर्क. एंड नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85, दिस इज़ योर होमवर्क. ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग ओवल शेप. डेकोरेट देम विथ हैंड्स, लेग्स, आइज, ears, nose and mouth. आपको कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जो ओवल शेप में होता है और इसको फिर डेकोरेट करना है, मीन्स सजाना है. और इसके बाद उसको ऐसा डेकोरेट करना है जिससे उसके पास, जैसे यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे इसमें इस पिक्चर्स में हैंड, लेग्स, माउथ, ईयर्स, ये सब बने हुए हैं. ऐसे भी आपको भी कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और उसमें आपको उसको ये फेस भी बनाना अच्छे से, आइज़, ईयर, नोज, माउथ के साथ कोई ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना है. इसमें से जो नीचे आपको दिख रहा है आप उसमें से भी कोई सा पिक्चर बना सकते हैं, या फिर जो आपको कोई भी पिक्चर्स, चलिए आपको कुछ पिक्चर्स हम दिखा देते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. ओके, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओवल लिखा है और इसके बाद यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आपको बहुत सारे पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे. जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है कुछ फ्रूट्स हैं, एग है और बलून भी है, मिरर भी है. तो इसमें से आप कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको बनाने में बिल्कुल भी इजी हो. ओके, ज़्यादा टफ ना हो, ज़्यादा आपको हार्ड ना हो बनाने में. इसके बाद बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें फेस भी आपको ड्रॉ करने हैं, माउथ, ईयर्स, आइज, नोज, ये सब आपको ड्रॉ करने हैं. ओके, जैसे आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ऐसे ही आपको पूरा बनाना है. ओके, और एक पेज और आपको दिखाते हैं. ये देखिए नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स हैं. वाटरमेलन है, आइसक्रीम है,
फिर फेस है, बहुत सारे लोगों का जो फेस होता है वो ओवल शेप में ही होता है, सबका नहीं होता है, किसी किसी का होता है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको कोई सा भी पिक्चर जो आपको अच्छा हो, जो आपको बनाने में भी ईजी हो, आप वो बना सकते हो। ओके, आई होप आपको ये क्लास वर्क आज का और होमवर्क बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू।